देखिए ये एप्पल कंपोट है जो एक बाउल है ऑलरेडी तैयार है, इसको हमने गर्म करने के लिए रख लिया है और इसमें हम 1/4 कप ना ये नट्स डाल रहे हैं। देखिए कुछ किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, टोटल मिला के 1/4 कप है। इसको करेंगे मिक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज यूजफुल किचन। आज हम एप्पल स्ट्रूडल बनाने वाले हैं, एप्पल बन स्ट्रूडल। ये हमने एप्पल कंपोट बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दे दूंगी। गनाश मैंने कैसे बनाया है उसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बता रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम बन लेंगे उसको बड़े हल्के हाथ से, फ्रेश बन होने चाहिए, ऐसे एक सर्कल में ना हल्का सा कट लगाएंगे और उसको बहुत अंदर से नहीं स्कूप करना है, इसको हल्का सा ऐसे बस ढक्कन की तरह उतार देंगे और फिर इसको हाथ से ना चारों तरफ से ऐसे अंगूठे की सहायता से चारों तरफ से ऐसे प्रेस करेंगे, बन की शेप भी खराब ना हो और हमें स्पेस भी मिल जाए फिलिंग के लिए। तो ये फ्रूट फिलिंग, फ्रूट स्टफिंग बनती है। ये देखिए इस टाइप से हम सारे बंस को कर लेंगे तैयार। देखिए हमने इनमें बटर लगाया है और मैं आपको यहाँ देखो लगाकर बताऊंगी। इसको आप हाथ से ऐसे थोड़ा सा निकालेंगे बटर को और आप ऐसे चारों तरफ से इसको ऐसे लगाएंगे, फिल करेंगे और हाथ से ना साथ साथ दबा देंगे ऐसे, ताकि क्या है एक हमें स्टफिंग के लिए ना स्पेस मिले। ऐसे हाथ से चारों तरफ से दबा देंगे, यानी हमें ये हॉलो करना है और साथ में बटर लगाना है जैसे हम ये और सब लगा चुके हैं। और अब हम इस पे कैस्टर शुगर जो है उसको स्प्रिंकल करेंगे। हमने बाहर भी बटर लगाया है इस पे इस तरह से, तो इस तरह भी दोनों बटर ये बंस तैयार कर लेंगे और इनको टोस्ट करने के लिए अवन में रखेंगे। डिश को हमने बटर से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसको टोस्ट करेंगे। आप देखिए कुछ इस तरह के क्रिस्पी हो गए हैं, है ना, मेल्ट हो गया थोड़ा बटर भी, आवाज सुन सकते हैं आप। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेट गनाश। इसको ऐसे इसमें फिल कर देंगे, ये थोड़ी देर से बनी हुई है इसलिए थोड़ा थिक हो गई है। ऐसे पूरा अच्छे से लगा देंगे, सारे बंस में इसी तरह से हम डाल देंगे और अब हम ये इसमें एप्पल कंपोट डालेंगे। अच्छे से इसको ना दबा दबा के भरना है, मतलब ये हम बाउल कोशिश करेंगे कि 3 में आ जाए तभी इसको खाने का मजा है, नहीं तो आपको प्लेन प्लेन दिखेगा। फिर इस तरह से हम इसको हाथ से दबाते हुए ना ऐसे फिल कर लेंगे। देखिए आप काफी सारा चला गया ना अंदर, और अब ये थोड़ा सा ऊपर से फिर ऐसे ही रहने देंगे, अब नहीं दबाएंगे। और ये हाफ दूसरे में इसी तरह से हम सारे फिल कर लेंगे। बहुत कलरफुल लग रहा है, अब देखिए है ना ये भर गया अच्छे से। अब थोड़ी सी शुगर इस पे हम ऐसे करेंगे स्प्रिंकल और इसको फिर से थोड़ी देर के लिए टोस्ट करने के लिए रखेंगे अवन में। तो ये देखिए ये अब हमने टोस्ट कर लिए हैं और ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो इनकी करते हैं प्लेटिंग, प्लेटिंग नहीं गार्निशिंग वापस से हम शुगर से कर रहे हैं। तो ये आप आपके ऊपर है, आप कैसे भी गार्निश करिए, पर चीज जो है वो सुंदर भी लगनी चाहिए टेस्ट होने के साथ साथ। लुक एट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।